शिकागो में रहने वाले यश हटकर, इनका हैटी यह स्टैंड अप कॉमेडी शो बहुत ही अमेरिका में पॉपुलर हो रहा है। उनके बारे में जो एक आर्टिकल आया था उसका जिक्र मैं आज ये मेरे वीडियो में कर रहा हूँ। इनका कॉमेडी शो जो है स्टैंड अप कॉमेडी शो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। उन्होंने अपने डिप्रेशन के बारे में, अपने सुसाइड के बारे में बहुत कुछ इसमें कहा है। 23 मई 2022 को उन्होंने एंटी डिप्रेशन गोली खा के सुसाइड करने की कोशिश किया। जैसे ही गोली खा लिया वैसे उनको ऐसा लगा कि मैंने ये दुनिया नहीं छोड़ना चाहिए, और उन्होंने तुरंत अपने माँ को बता दिया। माँ उनको हॉस्पिटल ले गई और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करके वो बच गए। जब वो हॉस्पिटल में थे तो उनको पूरा उनका पिक्चर याद आ रहा था अपने लाइफ का, कि भाई कैसा कैसा लाइफ बीत रहा था और वो यहाँ तक क्यों आए। उन्होंने ये लिखा है कि भाई देखो, हर आदमी का मन जो है वो बहुत निगेटिव विचारों से भरा हुआ रहता है। वैसे मन बहुत चंचल है, मन अपना एक बच्चे जैसा है और वो कुछ भी सोचते रहता है, कुछ भी सोचता है कि भाई मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं दुनिया में अकेला हूँ, और वो कितनी निगेटिव सोचेंगे उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये मन को एक्सप्रेस होने देना चाहिए। मन यदि एक्सप्रेस होता है, खुल के बातचीत आप करते हैं, तो शायद निराशा या सुसाइड के विचार भी नहीं आएंगे। उन्होंने लिखा है कि 2012 से 2020 ये काल उनके लिए बहुत कठिन था। मन में निराशा थी, काम करने की कोई इच्छा नहीं थी, टोटल कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कि क्या करना है मालूम नहीं था, और उनको ऐसा लग रहा था कि भाई मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या करने वाला हूँ, पता ही नहीं है। 2020 में उन्होंने अपने आप को गे डिक्लेयर कर लिया कि मैं गे हूँ, होमोसेक्सुअल हूँ। बाद में उनको मालूम पड़ा कि नहीं, मैं गे नहीं हूँ, मैं तो सभी तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ, मतलब लड़कियों की तरफ भी अट्रैक्ट होता हूँ। तो फिर उन्होंने अपने को पैनसेक्सुअल डिक्लेयर किया। ज़्यादा सोचने से निराशा तो हटी नहीं थी, और ज़्यादा सोचने से और परफेक्शन करने की वजह से उनको OCD ने भी घेर लिया। OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और फिर उसकी भी ट्रीटमेंट के बारे में वो सोचने लगे भी क्या करना है, क्योंकि OCD वैसी बहुत खतरनाक बीमारी होती है। तुरंत कंट्रोल में नहीं लिया तो खुद को भी तकलीफ और बाकी लोगों को भी तकलीफ। बार 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 निगेटिव विचार, बार 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 वही कृति करना, वही एक्शन करना। मगर उन्होंने कहा कि जैसे ही एक टीवी सीरियल का एक काम उनके हाथ में आया तो उनको अच्छा लगा। क्या होता है कि जब हमारे सामने कुछ ना कुछ लक्ष्य रहता है, गोल रहता है, तो डिप्रेशन खत्म हो जाता है। इसलिए मैं हरदम हमारे डिप्रेस्ड लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप ऐसा करो, आपके सामने कुछ पर्पज़ रखो, गोल रखो। OCD वालों को भी बोलता हूँ मैं, नकारात्मक विचार रखो, वो तो भी गोल रखो। जिनके ये हटकर इनको ये टीवी सीरियल का काम मिला तो उनको काफ़ी उत्साह आ गया, मजे में टाइम बीता उतना, और बाद में वो काम खत्म होने के बाद में फिर से डिप्रेशन आ गया। क्या होता है कि डिप्रेशन में आदमी उस समय मोमेंटली कुछ भी कर लेता है, कुछ भी करता है। उसको लगता है कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, अंधकार है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। तो फिर उसमें वो निगेटिव विचार आके फिर ये दुनिया में मेरा कोई काम नहीं, और करके आदमी कुछ तो भी कम ज़्यादा कर लेता है। तो उस समय फिर उनको साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट चालू किया, और ट्रीटमेंट लेते लेते फिर उनको एक कोच भी मिला, मतलब साइकोथेरेपिस्ट भी मिला। उसने ये बताया कि भाई आप क्या करो कि आप पहले अपने आप के ऊपर प्यार करना चालू करो, अपना खुद का स्वीकार करना चालू करो। क्या होता है कि हम लोगों को माफ़ी मांगते हैं, लोगों को जैसा लगता है अच्छा वैसा करना चालू करते हैं, लोगों के लिए जीना चालू करते हैं, और फिर अपने आप को कोसते रहते हैं। तो पहले अपने लिए जीना चालू करो, अनकंडीशनल लव, खुद के ऊपर प्यार करना चालू करो, और प्यार करते करते हंसते हंसते जीवन जीना चालू करो। जब उनको ये बात जच गई कि हाँ मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ, मैं तो खुद के ऊपर प्यार ही नहीं करता हूँ, तब उन्होंने ये देखा कि भाई मेरे को दुनिया बदलने का नहीं है, दुनिया से मेरा कोई लेन देना नहीं है, दुनिया बदलने के पहले मैंने खुद को बदलना चाहिए, दुनिया के ऊपर प्यार करने के पहले मैंने खुद के ऊपर प्यार करना चाहिए, खुद का स्वीकार करना चाहिए। और उन्होंने फिर खुद का स्वीकार करना चालू किया, खुद का प्यार करना चालू किया, और फिर उनको ये लगा कि भाई ये तो अपने ऊपर, जब हम हंसते हैं, मतलब जो भी हम करते उसके ऊपर, हमने खुद के ऊपर हंसना, उसका जोक, उसकी मजाक उड़ाना, तो अपना दुख भी हल्का हो जाता है।
जब ये खुदकुशी का माहौल है, खुदकुशी के विचार आ रहे हैं दिमाग में, वही माहौल चल रहा है, विचार विचार विचार, और जब अपने आप को आप स्वीकार कर लेते हो जैसे है वैसे है और जैसे नहीं है वैसे नहीं है, और खुद का स्वीकार करके, खुद के ऊपर प्यार करके, एक हंस हंस के उसका स्वीकार करते हैं, तो नेचुरली दुख निकल जाता है। और इसलिए उन्होंने उसके ऊपर एक कॉमेडी शो का निर्माण किया, क्रिएटिविटी अच्छी किया उसमें, कि भाई उसमें क्रिएटिव होकर कॉमेडी शो तैयार किया। और वो कॉमेडी करके देखो, खुदकुशी भी करना है या विचार भी आते हैं तो उसके ऊपर कॉमेडी करना चालू किया, ताकि वो विचार से वो दूर हो जाएंगे। और काफ़ी ये शो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। और इसमें तो लेने लायक यही बात है कि भाई जब हम खुद के ऊपर हंसते हैं, खुद के ऊपर प्यार करते हैं, खुद का स्वीकार करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा डिप्रेशन जो है वो कम हो सकता है। और वही वो ये माध्यम से बताते हैं। मुझे सभी डिप्रेस जो है, निराशा जिनको है, जिनको खुदकुशी के विचार आते हैं, उनको ये बताना है कि भाई खुद के ऊपर प्यार करना, अनकंडीशनली लव करना खुद के ऊपर, और फिर बाद में लोगों के ऊपर प्यार करना। खुद के ऊपर प्यार करना मतलब नार्सिसिस्टिक नहीं है। नार्सिसिज्म क्या होता है? नार्सिसिज्म ये होता है कि खुद के ऊपर प्यार को, मतलब वो अपने बॉडी के ऊपर बहुत पजेसिव रहता है, बॉडी के ऊपर, और बॉडी से प्यार करता है। मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सेप्टिंग अनकंडीशनली द वे यू आर एंड द वे यू आर नॉट, उसको बोलते लव, प्यार करना। और जब आप खुद का, खुद के ऊपर प्यार करते हो, खुद का स्वीकार करते हो, और उसको एकदम ऐसा लाइटली लेके उसके ऊपर हंसते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका दुख हल्का हो सकता है। और जो मेजर डिप्रेशन है, जो मेजर उसके लिए तो दवाई लेनी पड़ेगी। जो डिप्रेशन हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ उसको तो दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास में जो लोग आते हैं वो लोगों को आप मतलब लाइक MDP है, मैनिक डिप्रेस साइकोसिस, उनको दवाई दे दो 15-20 दिन में अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस से डिप्रेशन है। मगर आउटसाइड जो तकलीफ है या आउटसाइड परिस्थिति ठीक नहीं है, उसकी वजह से डिप्रेशन आ रहा है, तो डेफिनेटली साइकोथेरेपी और बिहेवियर थेरेपी ये काम में आते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी जो लोग आपको लगते हैं कि मैंने मेरे डिप्रेशन के दौर से जा रहे हैं, उनको शेयर करो। भले वो ना मानेंगे, मगर आप शेयर करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और वो ठीक हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।